गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है बेटा, लेसन 9 में जो एक कविता थी मैंने आपको उसका सार पढ़ाया था। ओके, आज हम लेसन 10 एक पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अब आप पाठ के नाम से ही अंदाजा लगा लीजिए, एक पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा, यानी कि जो पाठ में एक जगह की तुलना है वो कहाँ है, जहां पर बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बेटा लेसन शब्द अर्थ से। ओके, लेसन जब हम शब्द अर्थ पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी लेसन में जो वर्ड्स आते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे हमें लेसन पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। नाउ लेसन नंबर 10, एक पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा। दृष्टि मीन्स नजर। जितनी दूर तक हम नजर दौड़ाएंगे यानी कि हमारी आंखों की रोशनी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नजर। ओके, विभिन्न यानी कि कई प्रकार, जैसे कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं, कई प्रकार की पुस्तक होती हैं और कई प्रकार का भोजन होता है। ओके, नेक्स्ट गर्व। गर्व यानी कि घमंड। घमंड किसको होता है? घमंड उन लोगों को होता है जिसमें कुछ विशेषता होती है, जैसे कि आप बहुत हैं अच्छे पढ़ने में, आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो आपके पेरेंट्स को क्या होगा आपके ऊपर, आपके ऊपर घमंड होगा। पर्वतीय मीन्स पर्वत से संबंधित। पर्वत जैसे कि हमारे हिल स्टेशन होते हैं, वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, ठीक है, वहां पर ग्रीनरी बहुत होती है, बहुत ज्यादा वहां पर पेड़ पौधे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विचरण। विचरण मीन्स घूमना यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, या तो आप घूमने जाते हैं या फिर यात्रा पे जाते हैं। यात्रा क्या होती है? किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। नेक्स्ट स्थान। स्थान मीन्स जगह। जगह मीन्स जहां आप घूमने जा रहे हैं। ओके, यात्रा। यात्रा मीन्स सफर। जो टाइम पीरियड आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है उसको बेटा सफर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आनंद। आनंद मीन्स मजा। अब आप कुछ बच्चे स्टूडियस होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको पढ़ने में मजा आता है, कुछ बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं उनको खेलने में मजा आता है, बल्कि आनंद होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इस लेसन के शब्द अर्थ पढ़ाए हैं। आपको अंदाजा लगा होगा कि आने वाले लेसन में आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसका इस कहानी में जो भी सार है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी पुस्तक का रंग पेज नंबर 62। ओके, आनंद विला, B105 माल रोड, नैनीताल। ठीक है, प्रिय अनुकल्प, सप्रेम नमस्ते। बेटा ये लेसन एक पत्र के रूप में आपके सामने है कि किसी पर्सन ने किसी को एक पत्र लिखा है, पत्र में उस पाठ का सारा विवरण व्याख्या की है। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टी में माता पिता के साथ मैं नैनीताल आया हूँ, मेरी नानी जी यहाँ रहती हैं। ये पत्र मैं आपको वहां से लिख रहा हूँ, जैसे कल ही आए हूँ। दिल्ली से काठगोदाम तक हम माँ रेलगाड़ी से आए थे, वहां से मामा जी हमें कार में घुमाते हुए नैनीताल पहुंचाया। ठीक है, सच बताऊं क्या बताऊं दोस्त,
पर्वत क्षेत्र की यात्रा का आनंद वास्तव में अनोखा था। कार गोल गोल पहाड़ियों से तेजी से घूम रही थी और टेढ़ी मेढ़ी सड़क नागिन के समान। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, ठीक है, बहुत ही प्रसन्न और उत्सुक हूँ। बेटा जो पत्र लिख रहा है कौन है? अनुकल का दोस्त, ठीक है। अनुकल को वो सारी अपनी यात्रा का विवरण एक पत्र में लिखकर दे रहा है। ओके, बड़े बड़े पेड़ किसी दैत्य से कम नहीं लग रहे हैं। नैनीताल पहुंचते ही सबसे पहले हम रुक गए और पर्वत नजर आने लगे। ठंड पड़ने लगी और मुझे बहुत मजा आ रहा था। घाटियों में ऊंचे पेड़ घूमने, बादल और चारों ओर हरियाली, क्या सुहाना नजारा था। कभी नीचे झांक कर देखा तो रोमांच हो गया। मेरी बहन तो डर कर पीली पड़ गई। बेटा जब ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं और उस तरह से जब रास्ता जाता है तो सबको बहुत डर लगता है क्योंकि नीचे बहुत खाई होती है, और मैंने भी आंखें बंद कर ली। बगल में नीचे गहरी खाई थी जहां पर देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। लगभग एक घंटे की यात्रा के पश्चात हम नानी के घर पहुंच गए। घर के सामने ही ताल दिखाई दे रहा था, वहीं पर नैना देवी का मंदिर था। इस मंदिर और ताल के नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, किसी जगह, तो जगह कौन सी है? नैनीताल, जहाँ का विवरण अनुकल का दोस्त कर रहा है। यह ताल नैनीताल का प्रमुख ताल माना जाता है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां घिरा ताल और उस पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष उस स्थान के सौंदर्य को दुगना कर रहा था। इस ताल की लंबाई 1.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 50 मीटर थी। वहां पर नौकाएं चल रही थी, यानी कि नौकायन हो रहा था। हमने स्वयं चलाने वाली नौका का खूब मजा उठाया। ताल का पानी काफी ठंडा था और छोटी छोटी मछलियां तैरती हुई नजर आ रही। पेज नंबर 64। संध्या के समय एक माल रोड पर घूमने निकले कौन? हम सभी लोग। वहां हमने बहुत वस्तुएं देखी, दुकानें देखी। लकड़ी को काटकर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाई गई थी और रंगीन बांस से बहुत बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी, ठीक है। दूसरे दिन मामा जी ने हमें ताल दिखाने ले गए। सात झील के इस समूह में ऊंची ऊंची पर्वत से घिरा गरुड़ के आकार का एक ताल है, जिसके चारों तरफ लीची और खुमानी के पेड़ हैं। बेटा लीची क्या होती है? एक फल होता है, और खुमानी भी, खुमानी ड्राई फ्रूट्स में आती है, ठीक है। देवदार के वृक्ष उनके फूलों से पूरा ताल घिरा हुआ था। चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। कुछ दूरी पर भीमताल था जिसके किनारे कमल के फूल खिले थे। हनुमानगढ़ी के लिए हम ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना पड़ा। वहां पर दिल दहलाने वाली गहरी खाई थी। पत्र बहुत लंबा हो गया है, मैं जल्दी ही आकर तुम्हें उसके चित्र भी भेजूंगा। यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, परंतु छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, घर वापस जाना होगा। अगली बार तुम भी मेरे साथ यहाँ आना। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। बंटी और बबलू को प्यार, तुम्हारा मित्र प्रशांत। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए, अनुकल को किसने पत्र लिखा? प्रशांत ने, जो अपने मामा के यहाँ नैनीताल घूमने आया था, ठीक है। नैनीताल का सारा नजारा प्रशांत ने अपने पत्र में लिखकर अनुकल को भेजा, जिससे उसको सारी जगह का
एक सुंदर नजारा प्रस्तुत हुआ। ओके बेटा, ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, आपको इसका अभ्यास कार्य बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपने हिंदी धर्म की कॉपी में करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 11 मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, बाय।